अनुपम खेर भारत के एक प्रसिद्ध एक्टर हैं और अपनी बेहतरीन एक्टिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में अनुपम खेर ने ट्विटर पर एक ऐसा ट्वीट किया है जिसने उन्हें कंट्रोवर्सी से घेर लिया। इस महामारी के बीच इस तरीके का ट्वीट उनको भारी पड़ गया है, लिहाजा हैशटैग अनुपम खेर अब ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा है। अनुपम खेर ने कोरोना काल के हाहाकार के बीच आएगा तो मोदी ही का नारा लगाकर अपने लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है। दरअसल कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आईसीयू बेड्स नहीं मिल रहे हैं और ऐसे में सोशल मीडिया पर सभी लोग भाजपा सरकार और पीएम मोदी की आलोचना कर रहे हैं। इसी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा था कि 60 के दशक में एक बच्चे के तौर पर मैंने कई संकट देखे जिसमें 3 वॉर्स, खाने की कमी और कई सारी विपत्तियां थीं। यह हमारे विभाजन के बाद का सबसे बड़ा संकट है और भारत ने कभी नहीं देखा कि सरकार इस तरह से एक्शन से गायब है। कोई कंट्रोल रूम नहीं है, कॉल के लिए कोई जवाब दे नहीं है। इस ट्वीट के जवाब में अनुपम खेर ने भी ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है। आपके स्टैंडर्ड से भी कोरोना एक विपदा है पूरी दुनिया के लिए। हमने इस महामारी का सामना पहले कभी नहीं किया। सरकार की आलोचना ज़रूरी है, उन पे तोहमत लगाइए, पर इससे जूझना हम सबके लिए भी एक जिम्मेदारी है। वैसे घबराइए मत, आएगा तो मोदी ही। जय हो। अनुपम खेर को ये ट्वीट करना भारी पड़ गया और यूज़र्स ने उन्हें जमकर ट्रोल किया। एक यूजर ने लिखा कि अनुपम खेर को भगवान सद्बुद्धि दे, तो वही अन्य ने लिखा कि बालों के साथ आप अपना दिमाग भी खो चुके हैं। एक अन्य यूजर ने यह भी लिखा कि अनुपम खेर कंगना रनौत का मेल वर्जन है। खैर ये पहली बार नहीं है जब अनुपम खेर सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए हैं, इससे पहले भी वो कई बार ट्रोलर्स के निशाने पर आ चुके हैं। साथ ही लोग मीम्स के जरिए भी एक्टर को ट्रोल कर रहे हैं। अनुपम खेर हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में नजर आते रहे हैं और इस ट्वीट से भी ये बात पक्की हो चुकी है कि वे टीम मोदी में ही हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इतने ट्रोल्स के बाद अनुपम खेर इस पूरे मामले को किस तरह से संभालते हैं और इस पर क्या एक्शन लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।